नमस्ते, ड्रिंक पॉजिटिव की हेल्थ सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मुद्रा और मेरे साथ है डॉक्टर रूपा शाह, जो कि पिछले 40 वर्षों से एक प्रैक्टिसिंग MBBS डॉक्टर रह चुकी हैं और पिछले 15 वर्षों से प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि वनस्पति जन्य आहार के मार्फत ना कि सिर्फ अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं पर इसके बारे में अवेयरनेस भारत में और दुनिया भर में कर रही हैं। डॉक्टर रूपा, आज मुझे आपसे पूछना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। इसका नाम तो मैंने सुना है लेकिन असल में क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में आज आपसे जानना चाहूँगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम X, बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है लेकिन आपने सुना है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, PCOD, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, तो ये सब मिला के ये जो पूरे डिजीजेस का रूप नाम है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है जी। और कहीं ना कहीं इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है जी। तो इसमें काफ़ी सारे डिजीजेस आते हैं, जैसे कि एक अम्ब्रेला टर्म है। डॉक्टर रूपा, प्लीज़ इसके बारे में हमें और थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैसे होता है कि आपको ये सारे डिजीजेस एक ही व्यक्ति में पहले से नहीं दिखते हैं। ओके। शुरुआत किसी और एक चीज़ से हो जाती है। जैसे आपका जैसे 5 या 10 किलो वजन बढ़ गया, हाँ। आप सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ सही होता है, हाँ। आप बोलते हैं हमारे घर में सभी लोग हेल्दी हैं, हाँ। एक्चुअली हेल्दी नहीं है, थोड़े मोटे हैं या कई केसेस में बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, 100-100 किलो वजन हो जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट कराने से सभी सही दिखता है। ओके। तो इसको इग्नोर करते हैं, फिर कुछ 5 साल या 6 साल के बाद आप एक दिन ब्लड टेस्ट करते हैं तो डायबिटीज़ आ जाता है और डायबिटीज़ की गोली शुरू हो जाती है। उसके कुछ सालों के बाद ब्लड प्रेशर की, कुछ सालों के बाद थायराइड की, साथ साथ में कहीं हार्ट डिजीज़ है, ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सभी चीज़ एक के बाद एक आने लगती है। किसी के केस में डायबिटीज़ पहले आता है, किसी में ब्लड प्रेशर पहले आता है, किसी में थायराइड भी पहले आता है, किसी में PCOD आता है, लेकिन ये सभी का मूल एक ही है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। और हमें क्या करना है कि जब इसकी शुरुआत हो जाती है तभी से इसे पहचान लेना है। ओके। तो आजकल तो मैं स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं 13-14 साल के, कहीं मोटे होते हैं, कहीं उनके यहाँ का जो भाग रहता है वो पूरी काली काली हो जाती है, राउंड राउंड दिखते हैं, बहुत सारा चीज़ खाते हैं और पता नहीं चलता है कि यहाँ से ही शुरुआत हो गई है। okay. तो ये एक जीवन शैली और हमारे जो रोज़मर्रा के आहार के साथ जुड़ी हुई कंडीशंस हैं, इसीलिए इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम X कहते हैं। ओके। मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछना है कि ये कैसे शुरू होता है और क्या होता है एग्जैक्टली। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो इसमें कैसा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। और इसका काम क्या है कि जो बाहर ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड के अंदर उसको सेल के अंदर लिया जाए। तो ये रिसेप्टर खुलते हैं और ग्लूकोज अंदर जाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में कैसे होता है कि ये सारे रिसेप्टर्स तो है लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसे कि हमारा जो काम 10 यूनिट इंसुलिन से हो रहा था वो अब 20 यूनिट लग रहे हैं। वो रिसेप्टर के ऊपर जैसे किसी ने एक च्युइंगम लगा दिया और वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों होता है, इसका कारण एक बहुत ही सरल सा है। हर एक सेल के अंदर कुछ ऐसी अनहेल्दी फैट जमा हो जाती है जो रॉन्ग सिग्नल देती है, तो रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब इंसुलिन आता है तो काम नहीं कर पाता है, तो हमारी पैनक्रियास को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। पहले 10 से काम चलता था, अब 20 से, फिर 30 से। तो जब ये होता है तो बहुत सारे ये अलग अलग डिजीज आते हैं। सबसे पहले है इसमें डायबिटीज। तो डायबिटीज में आप पहले आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है, आप अगर सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं तो वो बढ़ा हुआ रहता है। तो ये डायबिटीज आया नहीं है, आप देखते हैं मेरा शुगर तो नॉर्मल है लेकिन आपका वजन 10 किलो ज्यादा है, आपको डायबिटीज आने की संभावना है। अभी आपका शरीर
डबल इंसुलिन बना के उसको निपटा रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन 2-4 साल में वो थक जाता है बहुत ज्यादा इंसुलिन बना के, तब जाके ये कहता है कि अब मैं इतना नहीं बनाऊंगा, थक गया। तो जब इसका इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है तो तुरंत ही ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और आपका पहली बार हो जाता है डायग्नोसिस टाइप 2 डायबिटीज। तो ये जो आपने बताया कि फैट सेल के अंदर जमा हो रही है, तो ये फैट कहाँ से आ रही है? तो ऑब्जर्वेशन यही हुआ है कि ये जो अनहेल्दी फैट है ये सारे पशुजन्य आहार के जो पदार्थ है उसी में से आती है। ओके। क्योंकि उसमें कोई भी फाइबर रहता नहीं है, डायरेक्ट फैट आती है और वो हाई सैचुरेटेड फैट होती है और इसमें दूध और दूध के सारे पदार्थ का भी समावेश है। और आप कितना भी फैट अगर निकाल ले दूध के अंदर से, फिर भी उसमें कुछ फैट रह जाती है और वो आने वाली है। आपकी बॉडी उसे अगर प्रोसेस नहीं करता है तो हर एक सेल या हम बोलते कोश के अंदर जमा कर देता है और तब जाके शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। उसमें और भी चीजें होती है, अगर फैट यहाँ नहीं जमा सकते तो कहीं और भी डंप करते हैं तो लीवर, तो उससे हो जाता है फैटी लीवर। उसमें भी ग्रेडिंग होते हैं, Grade 1, Grade 2 ऐसा। फिर उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब दिखने में आप पतले रहेंगे लेकिन पेट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर बहुत अनहेल्दी विसरल फैट हम जिसे बोलते हैं वहाँ जमा हो जाती है। तो सारी जमा की हुई फैट है जो बॉडी प्रोसेस नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं, लेकिन इसमें ये है सैचुरेटेड फैट जो सारे एनिमल प्रोडक्ट से आती है, दूध में से आ जाती है हमारे शरीर में। डायबिटीज अक्सर मैंने यही सुना है कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो गया, लेकिन आपने कुछ अलग आज मुझे लाइट दे दिया है कि ये फैट के सेवन से हो रहा है। ये क्या कन्फ्यूजन है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तब तो हमने यही बात सुनी है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा मीठा खाया होगा इसीलिए आपको डायबिटीज़ हुई है और ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गई है। तो ये जी जो होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट वो सारे शुगर तो बंद कर देते हैं। सही बात है, शुगर बंद कर देते हैं बिल्कुल। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट को जानती हूँ जिन्होंने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया, फिर भी शुगर नीचे इतनी नहीं आती है या डायबिटीज़ क्योर भी नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम खाली इसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, इसे उसका जो मूल है वहाँ तक पहुँचे नहीं है। लेकिन जब हम ये जो अनहेल्दी फैट जो सेल के अंदर आ गई है उसका ओरिजिन ढूंढ लेते हैं और उसे बंद करते हैं, तब जाके शुगर नीचे आने लगती है। तो बताती हूँ कैसे। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं पूछती हूँ, नहीं नहीं मैं तो शुगर बिल्कुल खाता नहीं, मैं कोई मिठाई खाता नहीं, मैं चॉकलेट्स नहीं खाता हूँ, शुगर है ही नहीं, मैं कोई गुड़ की बनाई हुई आइटम नहीं खाता हूँ, मैं मीठे फल भी नहीं खाता हूँ, तो भी मेरा शुगर नीचे क्यों नहीं आता है? फिर बाद में मैं बोलती हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसे तले हुए नाश्ते वगैरह खा रहे हैं, आप कोई दूध की बनाई हुई चीज़ें खा रहे हैं? हाँ वो तो खाते हैं ना, ये नाश्ते वगैरह तो कुछ तो हैप्पीनेस होना चाहिए ना, तो चिवड़ा वगैरह तो खा सकते हैं, उसमें थोड़ी शुगर है, तो वो बराबर जम के खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, समोसे खा लेते हैं, वहाँ उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप बहुत सारी अनहेल्दी फैट खा रहे हैं। फिर आप खा रहे हैं पनीर या आप चीज़ खा रहे हैं, चीज डोसा खा लेंगे या दूध पी लेंगे, तो आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर से भी अनहेल्दी फैट्स आ रही है। जब आप इस चीजों को बंद करते हैं तो फट से मैं देखती हूँ दूसरे तीसरे दिन शुगर नीचे आने लगता है और वो पेशेंट खुद ही एकदम चकित हो जाता है कि मैं तो हमेशा शुगर के पीछे पड़ा रहा, कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे पड़ा रहा, इसका मैंने कभी सोचा नहीं कि अनहेल्दी फैट्स आर द नंबर वन कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेरे डायबिटीज भी यहीं से आया है। जब पता चलता है, जब ये फैट्स सारे एलिमिनेट कर देते हैं जो अनहेल्दी है, तो डायबिटीज़ के नंबर्स बहुत सुधर जाते हैं। और अब तो मैंने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमेशा के लिए डायबिटीज़ में से रिकवर हो जाते हैं। लवली। सो जैसे आपने बताया कि अनहेल्दी फैट्स हम जैसे ही कम करते हैं या निकाल देते हैं डाइट से, जैसे डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, वैसे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अन्य जो आपने बीमारियां बताई, क्या वो भी रिवर्स हो सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तरीका है। अगर आपको PCOD है और आप अनहेल्दी फैट्स डाइट में से निकाल देते हैं
दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स अगर बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पीसीओडी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। आपको समझो 10 किलो वजन ज्यादा है, आप इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये वजन आपका फटाफट कम कर देता है। आपको ब्लड प्रेशर है, यही तरीका है, आपका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। डॉक्टर, मैंने ऐसे सुना है कि ये अनहेल्दी फैट्स जो हम खाते हैं इसकी वजह से बॉडी में कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन भी होता है, इसके बारे में आप थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता ही है इससे, और इसी के कारण ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्थराइटिस, ये सब भी हो जाते हैं। तो ये जरूरी है जानना कि जो चीज़ें हमारे शरीर को सूट नहीं होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे ही हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन, उसके साथ सुजाव और बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, बॉडी के अंदर पेन है, ये सारा चला जाता है। So, अभी अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स की किसी भी बीमारी से अगर रिवर्सल शुरू करना है तो उनको शुरुआत कैसे करनी है? अब आपने समझ लिया कि ये जो अनहेल्दी फैट्स आती है वो नंबर वन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो आपको अब शुरुआत करनी है उसके सोर्सेस को आइडेंटिफाई करने की। जी। इसके सोर्सेस है एनिमल प्रोडक्ट्स नंबर वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप दूध और दूध के सारे पदार्थ और नॉनवेज छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे अनहेल्दी फैट्स हमारे रोज बरोज के डाइट में आते ही नहीं है। जी। जब ऐसा होता है तो दूसरे तीसरे दिन हमारे शरीर को थोड़ा रेस्ट मिलता है और फिर ये काम शुरू करता है। इसका काम है साफ सफाई का, तो ऑलरेडी सेल के अंदर जो फैट है वो बाहर निकालता है और उसको एलिमिनेट करने का शुरू कर देता है। हेल्दी फैट्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स के सोर्सेस है कोकोनट, आप अगर ओलिव खाना चाहते हैं तो ये भी हेल्दी फैट का सोर्स है, और एवोकाडो तो वो भी हेल्दी फैट है, आप उसे भी खाइए। बहुत सारे सीड्स है, हेल्दी है, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाएगी। मूंगफली खाना चाहते हैं उसमें भी फाइबर है। हेल्दी फैट खाना कंटिन्यू रखिए, अनहेल्दी फैट को खत्म कीजिए। तो आपकी बहुत सारी जो गोलियां या गोलियों के ऊपर आपका जीवन निर्भर है वो आप धीरे धीरे कम करके बंद भी कर सकते हैं। आप एक आइडियल वेट अचीव कर सकते हैं, आइडियल हेल्थ, और ये सारे डिजीजेस जो आपने रिवर्स किए, भगा दिए, वो वापस भी नहीं आएंगे अगर आप ऐसी ही जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगे। हमारा शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट मशीन है, उसमें हर चीज सिस्टमेटिकली होती है क्योंकि हमने उसे एक रीजन दिया होता है। तो ये डायबिटीज कहीं से ऐसे ही नहीं आ गया, ब्लड प्रेशर ऐसे ही नहीं आ गया, कहाँ गलती की है, कहाँ हमने जंक फूड खाए, कहाँ हमने ऐसी चीजें खाई है जो हम समझते हैं हमारा खाना है लेकिन ये खाना है ही नहीं। तो इंग्लिश में इसे मैं बताती हूँ, ये तो फूड लाइक सब्सटेंसेस है, रियल फूड नहीं है। जिस दिन आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेरा फूड है और ये मेरा फूड नहीं है, और रियल फूड को खाइए, असली क्लीन फूड को खाइए, और आप देखेंगे कि आपके सारे डिजीजेस कैसे एक एक बार चले जाएंगे। तो हमारे डाइट में हम ये सब बदलाव अगर लाएंगे तो क्या ये इनफ है या हमें और कुछ करना चाहिए? सो आहार सही होना तो स्टेप नंबर वन है। ओके। वो सही होगा उसके साथ फिर दूसरे स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज है, या सही टाइम पे सोना है, स्ट्रेस रिलीज है, या हमारा एनवायरनमेंट है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हमारे रोज बरोज की जो भाग दौड़ है उसमें हम कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें जरूरी है। लेकिन मैं कैसे देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, इतनी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, 10,000 या 15,000 स्टेप्स रोज चलते हैं और फिर भी शुगर नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाइट अपना नहीं चेंज किया। और जैसे डाइट चेंज करते हैं फट से नीचे आ जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिनको डायबिटीज वगैरह है वो अपने विल पावर से बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैसे भी करके अपने बॉडी को ऐसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब आप सही आहार लेते हैं तो आपका वजन कम होने लगता है, आप लाइट फील करते हैं, आप में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। और अगर मेरे जैसे कोई डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको रोज 25 मिनट चलना है, आप चलना शुरू करेंगे, 4 दिन के बाद आप मुझे आके बताएंगे कि आज तो मैं 45 मिनट्स ऐसे ही चल दिया क्योंकि बहुत सारी एनर्जी थी। जी, जी। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, हमारा शरीर
हमेशा ऑप्टिमम वेट पे रहना चाहिए, एक किलो ज्यादा भी नहीं, एक किलो कम भी नहीं। जैसा आहार वैसा ही आपका जीवन, वैसा ही आपका विचार, वैसे ही आपके मन के भाव। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसा तन। तो ध्यान में रखिए कि आप जो खाते हैं वो खाइए, अच्छा खाना खाइए और उसे डाइजेस्ट भी कीजिए, और फिर इसी से आपके अच्छे शरीर को बनाइए। डॉक्टर, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने हमें एक चाबी दे दी है हमेशा के लिए स्वस्थ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारी अगले एपिसोड में।